हेलो, मैं शारदा बंसल बेटमा रहती हूँ और मेरे को सबसे पहले पाँव में दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो मैंने बापना साहब को बताया तो उन्होंने मुझे दवा दी, तो इससे दिन भर मतलब नशे जैसी लगता था कि सोए रहे हो ये करो, तो मेरे को जब दवा जमी नहीं ना मेरे पाँव बंद हुए। फिर मैंने आशीष जैन को बताया तो घुटनों में गैपिंग बताई, वो दवा भी ली, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर और भी एक दो डॉक्टरों को बताया, तब भी मेरे को आराम नहीं हुआ कि पैर में दिक्कत है, पैर में है। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने नेट पे सर्च करा कि आरोग्य थेरेपी होती क्या है। फिर हम यहाँ आए, सर को बताया, फिर सर ने बताया, समझाया और फिर जाँचें कराई, तो उसमें आर इफेक्टर वगैरह आया मेरा। फिर सर ने दवा दी, उन्होंने मेरी जाँच कराई, उसमें HLA-B27 पॉजिटिव आया मेरा। उसकी दवा वगैरह दी, फिर वो पूरा नेगेटिव हो गया मेरा। उसके बाद से दवा मेरी कंटिन्यू सर की मैंने 11 महीने ली, उससे मुझे बहुत कुछ आराम हुआ। वो दवा से सारी रिपोर्टें मेरी नॉर्मल आ गई, बाद में मेरी कोई भी रिपोर्ट में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। घुटनों में अब जैसे मेरी दवा छूट गई थी तो मुझे दिक्कत आ रही है अभी, नहीं तो कैसा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी इतनी ज़्यादा। मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि यदि कोई भी ट्रीटमेंट कराना है तो ये आरोग्य वाला ही कराओ, होम्योपैथिक वाला कराओ, बाकी स्टेरॉइड नहीं खाना चाहिए। अपने शरीर की जो किडनी है, लीवर है, इनका बचाव करना अपने ऊपर ही रहता है कि अपन उसका बचाव कर सके, जितना कर सके उतना अच्छा है। स्टेरॉइड सर दवा तो देगी, दवा गोलियां अपने ऊपर, वापस से प्रॉब्लम तो वही होना है ना, जड़ से तो वो चीज़ यूँ भी नहीं जाना है, और इस चीज़ों से कम अपने जड़ से भी जाएगी और नुकसान भी नहीं करेगी शरीर को। मेरी बीमारी ऐसी थी कि हर डॉक्टर बोलता था तुमको खाना है, ये जा ही नहीं सकती है, कभी जीवन में सही नहीं होगी, पर वो आज मेरी बीमारी बहुत अच्छे से मतलब कवर हो गई। तो सर का बोलना, आज ट्रीटमेंट मेरा बहुत अच्छे से करते हैं वो, और आगे भी हर कोई को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, तो उन्हीं से सलाह लेना चाहिए सर। धन्यवाद। दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी बिना परहेज का ट्रीटमेंट है। इसमें मॉडर्न होम्योपैथी में ऐसा कोई दवाई नहीं है जिसके कारण हम आपको काफ़ी सारे परहेज का सामना करने के लिए मजबूर करें, क्योंकि इस दवाइयों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता, तो ये अच्छी बात है कि इसके कारण कोई दूसरे दुष्प्रभाव नहीं होते, कोई किसी प्रकार का सप्रेशन की हिस्ट्री इन मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, ये एक वरदान है मॉडर्न होम्योपैथी का कि इस पूरे ट्रीटमेंट से हम इस बीमारी को जड़ से समाप्त करें, बिना परहेज के, बिना साइड इफेक्ट के फास्ट ट्रीटमेंट करें। तो आप इन्हीं दवाइयों में इन चारों पांचों बीमारियों को मिलाकर एक कंपाइल्ड किट बनाकर एक साथ इन बीमारियों का इलाज ले सकते हैं, ताकि आपको चार या पांच डॉक्टर्स का अलग अलग ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आप खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें, मॉडर्न होम्योपैथी को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उपयोग लें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी, मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।